अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आई होप आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये देखिए जी, मैं कर रही हूँ प्याज़ फ्राई। तो ये मैंने मसाला बना लिया, तो ये दाल बॉयल हो रही है। तो साथ साथ दिखाती हूँ जी आपको, ये चिकन वॉश करके रख लिया है। ये देखें, चिकन शामिल कर दिया इसने, मसाले वगैरह भी। अब इसकी अच्छे से बनाई हो रही है, फिर मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। दाल मैं अलग से बॉयल कर रही हूँ। साथ साथ बन रहे हैं पकौड़ों का सामान। तो ये देखें, गोश्त की बनाई होगी अच्छे से, पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है। तो ये देखिए जी, दाल अच्छे से हमारी हो गई है बॉयल, तकरीबन 90% बॉयल हो गई है। बाकी इसमें हो जाएगी अच्छे से। तो इसकी कैसे बुनाई करूँगी, फिर थोड़ा सा पानी लगा के दम पे रख लूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से बुनाई करके पानी शामिल कर दिया। तो ये देखें जी, हांडी बन रही है, दूध बॉयल हो रहा है और पकौड़ों का सामान तैयार हो गया है। ये अफ्तारी से कुछ देर पहले बनाएंगे, 10 मिनट पहले पानी डाल के फिर बनाएंगे। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी दाल। तो ये देखें जी, गरम मसाला मैंने डाल दिया है, सब्ज़ धनिया भी डालूंगी, मज़ेदार सा कलर और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो मेरा तो रोज़ा है, मैं अभी नहीं खा सकती, तो अफ्तारी के टाइम खाऊंगी। तो मेरी भांजी का रोज़ा नहीं है, मैं उसे चेक करवाती हूँ कैसी बनी आई। होप कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बना होगा। तो बस दूध भी बॉयल होने लगा, तो इसमें हरा धनिया कटिंग करूँगी, वो मैं इसमें डालती हूँ दाल चिकन के ऊपर। और फिर आप भी बनाएंगी रोटियाँ, और साथ साथ हम बनाएंगे पकौड़े। और क्योंकि अफ्तारी का टाइम 5:30 हो गए हैं, 1 घंटा तकरीबन रह गया, 1.25 घंटा। तो करते हैं साथ साथ तैयारी। सब्ज़ धनिया इसकी मैं करूँगी कटिंग। सब्ज़ धनिया डाल दिया है और हांडी हमारी तैयार हो गई है, मज़ेदार सी खुशबूदार सी। तो मेरी भाजी को चेक करवाई है, उसने कहा कि आंटी बहुत मज़े की बनी है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अंदाजे से डाली थी, वैसे भी मैं रोज़ाना हर चीज़ अंदाजे से डाल दूँ, मसाले वगैरह रोज़ों के अलावा भी, तो मैं चेक नहीं करती। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आई होप आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो मैंने कल चावल बॉईल किए थे, तो हमने इतने ज़्यादा नहीं खाए, तो वो कुछ बच गए थे। मैंने कहा क्यों ना इसमें सॉसेस वगैरह डालकर थोड़ी सी चाइनीज़ लुक दी जाए इनको। तो थोड़ा सा चिकन पड़ा था, कलेजी वगैरह, मैंने कहा चाहिए वही ऐड कर देते हैं। एक प्लेट राइस है, थोड़े से हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, इफ्तारी होने वाली। ये हमारे आलू मटर, ये है कलेजी, और ये है हमारे अंडा और रोल और लहसुन अदरक। तो कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाता है। तो मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मैं फेंट रही हूँ ताकि छोटे छोटे ये पीसेस में डिवाइड हो जाए और ज़्यादा मोटे मोटे पीस ना रहें। चावल हमारे हैं 1 प्लेट, उसी हिसाब से जो मेरे पास वेजिटेबल अवेलेबल है वो मैं डाल दूँगी इसमें। तो दिखाती हूँ जी आपको, अब इसमें मैं वेजेस वगैरह और सॉसेस वगैरह डालती हूँ। चिकन और वेजेस शामिल कर दी हैं, अब इसमें मैं नमक, ब्लैक पेपर, सिरका, सॉसेस वगैरह वो शामिल करूँगी और इसकी करूँगी अच्छे से बुनाई। तो सोया सॉस इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। और अब करेंगे विनीगर ऐड, यानी कि सिरका। तो ये मैं तकरीबन, ये भी बस बहुत है, ये भी 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है। राइस के हिसाब से ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। ये बस मैं ही शौक से खाती हूँ, मेरे हस्बैंड ये शौक से नहीं खाते। तो थोड़े से पड़े होते, मैंने कहा क्यों ना आप जुगाड़ लगाएं, थोड़े से चाइनीज़ राइस तैयार किए जाएँ, झटपट में बन जाएंगे ये। तकरीबन मेरे ख्याल को 5:40 हो गए होंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कौन कौन ऐसे जुगाड़ लगाता है अपने अपने घर में और बन जाती है अच्छी सी रेसिपी, नए टेस्ट, नए जायके के साथ, थोड़ी सी डिफरेंट और झटपट बन जाती है बहुत जल्दी जल्दी। तो माशाल्लाह से आज आई थिंक 15वां रोज़ा है। तो रोज़े
बहुत जल्दी गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। इस तरह अल्लाह खैर खैरियत से माशाल्लाह रमज़ान शरीफ गुजारे और फिर ईद आए, और अल्लाह करे हमें अगला रमज़ान भी नसीब हो और आने वाले कई रमज़ान हमें ऐसे ही नसीब होंगे। तो अब हल्की फ्लेम में थोड़ा सा कवर कर दूँगी ताकि इसमें तमाम मेरी चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। ये देखें मज़ेदार से चाइनीज़ राइस हो गए हैं तैयार। यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि आई डोंट बिलीव इट कि ये वाकई इतने मज़े के इतने यम्मी से बन गए हैं झटपट में। तो आपने ज़रूर बताना है किस किस के फेवरेट हैं चाइनीज़ राइस। तो मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद हैं, तो मेरे बहुत ज़्यादा जो फेवरेट हैं। तो ज़ाहद भाई भी राइस दे के गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़ाहद कौन से राइस दे के गए हैं। ये देखिए अभी धुआं उठ रहा है, मज़े की खुशबू आ रही है, मज़े इतने मज़े मज़े की। आलू मटर चिकन और अंडा, दो अंडे मैंने शामिल किए थे, तो बहुत मज़े के बन गए। शादी है तो अभी वो चीज़ें भी रख रही हूँ, अभी इफ्तारी का टाइम होने में 5 मिनट रहते हैं। ये ज़ाहद राइस दे के गए हैं, ज़ाहद माशाल्लाह रोज़ाना मुझे राइस दे के जाता है, तो उसकी ड्यूटी लगी हुई है कि रोज़ाना आपने रोज़ादारों के रोज़े खुलवाने हैं। तो ये बहुत सवाब का काम है जो ज़ाहद भी कर रहा है।